आप लोगों ने तब माँ दुर्गा पूजा का नाम पे एक पूजा किया और गांधी जी को आपने असुर बना दिया। क्या होना चाहिए आपको? पनिशमेंट हम नहीं देंगे, जनता ने देंगे। इस शर्म का बात है, हम लोगों को पता भी नहीं चला। अंदर अंदर मैं काम कर रहा था, अरे गांधी जी को लगा दिया असुर के रूप में। माँ दुर्गा गांधी जी को त्रिशूल देके मर रहा था। जब ये हम लोगों का नजर में आया, मैंने तो हमारा पुलिस दोस्त को बहुत थैंक्स दी गए इसके लिए। ये लोगों ने क्या किया, ये तुरंत उसको हटाया और ओरिजिनल जो असुर होता है, दानव होता है, उसको बनाया। इसके लिए आप लोगों को ख्याल में भी नहीं पड़ा कि हम कोई गड़बड़ नहीं चाहते थे, हम दुर्गा पूजा शांति में कर रहा था। कभी सुना ऐसा? कैन यू टॉलरेट दिस? अगर गुरुद्वारा में जाके कोई गुरु नानक जी को कोई बात बोले, कोई सुनेगा? अगर जैन लोग, अगर हमारा जैन लोगों को लिए, धर्म गुरु के लिए कुछ बात करेगा वो सुनेगा? कोई जगन्नाथ को कुछ बोलेगा तो थोड़ा ही सुनेगा? ना जेसास को बोलने से सुनेगा, ना बुद्धिस्ट को बोलने से सुनेगा, ना प्रॉफिट को बोलने से सुनेगा। माँ दुर्गा का असुर बना दिया हमारा देश का सबसे एक नंबर, हमारा देश का नेता गांधी जी को। मेरे को शर्म लगता है ये बात कहने के लिए। मैं वो दिन से दुखी है, लेकिन मैंने कहा कि कुछ किसी को कुछ नहीं बोला इसी के लिए कि हम नहीं चाहते थे कि पूजा का टाइम ने अगर लोगों को पता चले तो इसमें लोगों ने बहुत लोगों को दुख होगा और इसमें लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू करेगा। क्या सोचता है लोग, चार बाइक लेने से आंदोलन हो जाता है, ना पुलिस को दो लाठी मारने से आंदोलन हो जाता है, ना आंदोलन को हिसाब किताब घर में बैठ के एजेंसी को देके कराने से होता है। अरे आज तुम पावर में है, तुम बहुत एजेंसी दिखाता है, कल जब दे रहोगे तो तुम्हारा घर में एजेंसी जाके तुम्हारा दो कान मूलेगा। इसके लिए तैयार रहो। हमें इतने के बेची और कुछ बोलते चाहिए ना। একদিন এমন দিন আসবে জনগণ, এরা যা অত্যাচার করেছে, অসম্মান করেছে, গান্ধীজি থেকে শুরু করে, নেতাজি থেকে শুরু করে, অতিনয় তৃণমূলের বিচার সম্মেলনে এবং সেই সম্মেলনের অনুষ্ঠানে আমরা সরাসরি চোখ রেখেছিলাম। তাহলে আমাকে একটা গান শোনাতে হবে, বাবুল আর ইন্দ্রনীল যখন এখানে আছে। এরপর বাবুল বলবে আমি আর প্রোগ্রামে যাব না, আমায় গান করতে বলে গেলেই আমি একটু গান শুনে চলে যাব মনটা ভালো করে। মন আমার ঠিক আছে, আমি আসার সময় একটু দেরি হয়েছে, কারণ আমাদের গভর্নর একটু অসুস্থ ছিলেন, তাই উনি আজকেই ফিরেছেন আর আমার দেখা হয়নি পুজোর আগে থেকে, তাই আমি ওই শুভ বিজয়া করতে গিয়েছিলাম, এখন উনি ভালো আছেন, সেই জন্য আমার আধ ঘন্টা দেরি হয়েছে, আই এম সরি।